हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी, जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है? इट इज़ येलो डिसकलरेशन ऑफ बॉडी। ये बॉडी की येलो कलरेशन, कुछ और ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कलरेशन जो होती है बॉडी की चेंज होने लग जाती है, येलो येलो कलर उनका होना शुरू हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल में देख सकते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा यानी कि जो आई का पार्ट है स्क्लेरा, उसकी चेंजिंग होगी, येलोश होगी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को पर येलोइश कलर आ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का इंक्रीज लेवल हो जाएगा बॉडी में। नॉर्मल इज अप टू 1 mg/dL। नॉर्मल जो है 1 mg/dL है। इससे जब बिलिरुबिन बिलिरुबिन इंक्रीज होगा तो ये काज करेगा जॉन्डिस। काजेज देख लेते हैं। कॉमन काज इंक्लूड हेमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं थैलेसीमिया, जे6 PD डिफिशियंसी मलेरिया, विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। हेपाटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर सेल्स, एग्जाम्पल वायरल हेपाटाइटिस, एग्जाम्पल HAV, HBV, HCV। और हेपाटाइटिस जो है वायरल हेपाटाइटिस भी इसको काज कर सकता है। लिवर सिरोसिस, लिवर का डैमेज होना या लिवर सिरोसिस, जिसमें ये जो इसका एक पार्ट है, मेजर पार्ट जो है वो डैमेज हो जाए, काम करना छोड़ जाए। लिवर का ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें बंद हो जाए या फिर कोई भी उसमें आ जाए, कोई क्लॉटिंग फैक्टर या क्लाट वगैरह। एग्जाम्पल ड्यू टू स्टोन आर्ट कार्सिनोमा, स्टोन और कार्सिनोमा की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स देख सकते हैं जॉन्डिस, येलो कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, यानी कहते हैं कि इसको हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, पता हम कैसे लगाएंगे इसकी क्लिनिकल फीचर। जॉन्डिस येलो कलर हो जाएगा स्किन का और स्क्लेरा आंखों का। येलो डिसकलरेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की भी येलो कलर हो जाएगी। फीचर्स ऑफ अंडरलेइंग काज, एग्जाम्पल फीचर्स ऑफ एनीमिया। कहता है कि जो अंडरलेइंग काज होंगी, जैसे कहता है अंडरलेइंग काज कौन सी होती है, वो काज जिसकी वजह से बीमारी दूसरी हो रही है। एग्जाम्पल फीचर्स ऑफ एनीमिया, यानी फीचर जो एनीमिया के फीचर्स हैं उनकी वजह से, एग्जाम्पल पल्पिटेशन, पल्पिटेशन, डिस्पनिया, चेस्ट पेन एट्सेट्रा। फीचर्स ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के फीचर्स में कौन कौन से आ सकते हैं, पेन, RHC, एनोरेक्सिया, फीवर, बॉडी एक एट्सेट्रा। इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। LFTs की जाएंगी, एग्जाम्पल SGPT, सीरम ग्लूटामिक पाइरूविक ट्रांसमिनेज और ALT, एल्यूमिन एलिनिन अमाइनो ट्रांसफरेज। ये दो जो है होंगे एंजाइम, उनकी चेक की जाएगी क्वांटिटी और उससे पता लगाया जाएगा। इस यूजली रेज इन हेपेटाइटिस, ये दोनों हेपेटाइटिस के दौरान रेज होंगे। SPR, सीरम बिलिरुबिन इज रेज्ड, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन इज नीडेड इफ देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट। अगर बाइल डक्ट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो, अगर बाइल डक्ट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो अल्ट्रासाउंड उसका किया जाएगा। ब्लड पेरिफेरल स्मियर किया जाएगा। HP लो रेटिकुलोसाइट काउंट इज रेज इन हीमोलाइटिक एनीमिया। कहते हैं कि जो स्मियर किया जाएगा उसमें HP कम होगा और हीमोलाइटिक एनीमिया में रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा होगी। शेप ऑफ RBC में भी एबनॉर्मल, RBC की जो शेप है वो एबनॉर्मल होगी। NTHCV, HBs और देयर PCR में भी नीडेड, और ये PCR इनकी नीडेड होगी। ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में भी डन अकॉर्डिंग टू अंडरलिंग काज, एग्जाम्पल ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस इंक्लूड रेस्ट, एवॉइड फैटी मील, लिवर टॉनिक। यानी कहता है कि इसमें रेस्ट किया जाए, फैटी मील को एवॉइड किया जाए, लिवर टॉनिक यूज़ किए गए, हेपामार, जेटीपार और विटामिन E, विटामिन सी, ग्लूकोज ड्रिंक, ये सारे इसको यूज़ करने चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस इंक्लूड एंटीवायरल, एग्जाम्पल कहता है कि एंटीवायरल यूज़ की जाए अगर वायरल इन्फेक्शन हो, इंटरफेरॉन इंजेक्शन जैसे हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, अगर एनीमिया की वजह से काज हो रहा है तो एनीमिया की ट्रीटमेंट किया जाएगी। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी नीड सर्जरी, और जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा उसके लिए सर्जरी ज़रूरत होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।